अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। उससे पहले हमने कन्वर्जन स्टडी कर ली थी, वो हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया था। आज हमारा एक न्यू टॉपिक है, वो है मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। तो ये आपने 8th में भी पढ़ा होगा, ये आप काफ़ी वाकिफ़ हैं इस टॉपिक से कि मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर की और डाटा स्टोरेज क्या होता है कंप्यूटर का। तो उससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारा लेक्चर है आज का, जो हमारा आज टॉपिक है वो क्या है हमारा मेमोरी। सबसे पहले मेमोरी क्या होती है। अब मेमोरी हमारे इंसानों में मेमोरी क्या होती है, जो हमारा दिमाग होता है उसको हम मेमोरी बोलते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में भी कुछ स्टोर करने की ताकत होती है, कुछ उसमें हम महफूज करने की जो ताकत होती है उसको हम कहते हैं ये क्या है कंप्यूटर की मेमोरी है। तो मेमोरी भी मेमोरी की भी टाइप्स होती हैं। कुछ मेमोरी ऐसी होती है कि जब तक लाइट आती है, जब तक बिजली मौजूद रहती है, तब तक आपका डाटा उसमें महफूज रहता है आपके मेमोरी में। जैसे ही लाइट बंद हो जाती है तो वो डाटा गायब हो जाता है। जब मतलब कि अगर आपने सेव नहीं किया हुआ डाटा तो वो आपका पता है आपको, जब आप दोबारा आपका कंप्यूटर ऑन होता है लाइट बंद होने के बाद, तो वो सारा डाटा आपका उड़ जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। इसे कहते हैं कि आपका डाटा टेम्परेरी महफूज था कंप्यूटर में, यानी जब तक आपके स्क्रीन के सामने था, जैसे ही स्क्रीन बंद हुई तो आपका डाटा ख़त्म हो गया। तो कुछ टाइप्स ऐसी होती है मेमोरी की जिसमें अगर डाटा स्टोर करो तो लाइट चली भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे USB में अगर कोई डाटा आप रखते हैं, या CD या DVD में अगर आप डाटा रखते हैं, तो जब लाइट चली भी जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, आप आराम से जहाँ मर्ज़ी रख सकते हैं उसको, और कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। लाइट जितनी दफ़ा मर्ज़ी आ जाए, इससे कोई लिंक नहीं है इसका। तो इस तरह दो तरह के हमारे पास मेमोरीज होती है। एक को बोलते हैं हम वोलाटाइल, एक को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है, ऐसी मेमोरी होती है जो कि लाइट ऑफ होने से पहले पहले तक सब कुछ सही से ही, सब कुछ साफ साफ सही से ही नज़र आ रहा होता है हमारे पास, हम काम कर रहे होते हैं डाटा पर, लेकिन जैसे ही लाइट बंद होती है तो सारा डाटा हमारा गायब हो जाता है, अरेज हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। लेकिन नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या है, ये ऐसी मेमोरी है अगर बिजली चली भी जाए तो हमारा डाटा उधर ही महफूज रहता है, कोई भी उसको मसला नहीं होता। चलिए देखते हैं बुक में क्या है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिज़िकल डिवाइस। फिज़िकल मतलब उसका कोई जिस्म, मतलब कोई जिसामत रखती है। कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा, मेमोरी का मतलब भी यही है कि वो डाटा को स्टोर करेगा। प्राइमरीली देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। प्राइमरीली क्या मतलब, यानी कि बेसिक तौर पर, बुनियादी तौर पर इसकी कितनी टाइप्स है आपके पास, दो टाइप है, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। बोथ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज आर शोन इन फिगर 2.3। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस दीज टू टाइप्स ऑफ इन डिटेल। तो आपने ये दोनों लाइनें कट कर देनी है, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या है वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी को हम प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं। ए डिवाइस विच होल्ड डाटा एज लॉन्ग एज इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट। तब तक डाटा को होल्ड करता है जब तक पावर सप्लाई उसके साथ कनेक्ट रहती है, ठीक है। इसको हम वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं, इसको हम टेम्परेरी स्टोरेज भी बोलते हैं, ठीक है। टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, ठीक है। ये आए आपने यही लिखना है। इट इज़ कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। जब तक लाइट रहती है, जब तक बिजली रहती है, पावर सप्लाई का मतलब होता है बिजली, जब तक पावर सप्लाई हम कर देते रहते हैं तब तक क्या है डाटा महफूज रहता है, इसको कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। इट्स बेस्ट एग्जांपल इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारे पास एक टाइप है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो किसकी टाइप है हमारे पास, वोलाटाइल मेमोरी की। यानी कि रैम जो हमारे पास है वो तब तक ही काम करती जब तक आप स्क्रीन आपके सामने होती है। विच होल्ड्स मेमोरी ओनली एज लॉन्ग एज इट इज़ कनेक्टेड टू पावर सोर्स। रैम ऐसी मेमोरी है उसमें तब तक डाटा रहता है जब तक लाइट मौजूद रहती है। एज सून एज द पावर सप्लाई इज़ डिसकनेक्टेड, जैसे ही पावर सप्लाई डिसकनेक्ट होती है, ऑल द डाटा इन रैम इज़ क्लियर। डाटा सारा जो रैम होता है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं, इसको हम परमानेंट स्टोरेज एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए डिवाइस विच कैन होल्ड डाटा इवन इफ़ इट इज़ नॉट कनेक्टेड
इवन इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स। इसमें डाटा तब भी मौजूद रहता है जब बिजली नहीं भी कनेक्ट होती, इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसको क्या कहते हैं हम, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। द टिपिकल एग्जाम्पल फॉर नॉन वोलाटाइल मेमोरी आर हार्ड ड्राइव्स। क्या एग्जाम्पल है इसकी, हार्ड ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव की होती है जो USB आपकी होती है, मेमोरी कार्ड जो आपके मोबाइल फ़ोन्स में मौजूद होते हैं, इंस्टॉल्ड इन सेल फोन जो सेल फोन में मौजूद होते हैं, इवन इफ़ यू टर्न ऑफ योर PC, अगर आप अपना PC बंद कर देते हैं, PC मतलब कंप्यूटर बंद कर देते हैं, द डाटा इन योर हार्ड ड्राइव और फ्लैश ड्राइव स्टेज इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता लाइट के ना होने का, वो वैसे का वैसा ही आपका महफूज रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का हो गया काम। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है हमारे पास डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कंप्यूटर में डाटा जो स्टोर होता है आपको पता ही है, वो बाइनरी में स्टोर होता है, 0-1 में। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डाटा इन बाइनरी फॉर्म। इट मीन्स डैट वेदर इट इज़ टेक्स्ट है, तस्वीर है, ऑडियो है या वीडियो है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। कंप्यूटर में डाटा सिर्फ और सिर्फ बाइनरी में स्टोर होता है, पिक्चर, मूवी और सम एप्लीकेशन, कुछ भी है उसमें स्टोर हमारे पास बाइनरी में ही होना है। ठीक है, इट इज़ स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन। ठीक है, जीरो एंड वन मतलब बाइनरी फॉर्म। ऑल द करेक्टर्स ऑन योर कीबोर्ड हैज़ एन एसोसिएट कोड इन बाइनरी। जितनी भी चीज़ें, जितने भी करेक्टर लेटर आपके कीबोर्ड पर मौजूद है, उसके अगेंस्ट, हर एक के अगेंस्ट हमारे पास बाइनरी कोड है। यानी कि हम प्रेस तो अपने कीबोर्ड से जैसे कि A करते हैं, लेकिन उस अंदर जो है कंप्यूटर में वो A नहीं जाता, बल्कि उसका कोड जाता है बाइनरी का। द कोड, दिस कोड इज कॉल्ड ASCII कोड। इस कोड को हम क्या बोलते हैं, ASCII कोड। एक स्पेसिफिक नाम दे दिया कि इसको क्या बोलेंगे हम, ASCII कोड ऑफ द करेक्टर। करेक्टर का वो ASCII कोड होगा। ठीक है, जो भी कोड होगा किसी भी करेक्टर का, ASCII स्टैंड फॉर। अब आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, MCQs आ सकते हैं कि ASCII की फुल फॉर्म क्या है, ASCII स्टैंड फॉर क्या है। तो वो ASCII क्या है, अमेरिकन, A से अमेरिकन, S से स्टैंडर्ड, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो बच्चे ये बहुत गलत कर देते हैं, आपने अच्छे से इसकी एब्रीवेशन याद रखनी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इट इज़ ए डीफेक्टो स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इनसाइड कंप्यूटर्स मेमोरी। डीफेक्टो का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ मौजूद होना जो कि वाकई ही हकीकी तौर पर मौजूद है। ठीक है, और इसको सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज़ ए डीफेक्टो स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी। ये क्या है हमारे पास कंप्यूटर में, कंप्यूटर के मेमोरी में डाटा रिप्रेजेंट करने का क्या है, एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, आगे क्या है, यहाँ तक आपने करना है। अगर टेबल 2.5 प्रेजेंट द ASCII टेबल विच शोज द कोड अगेंस्ट ईच करेक्टर ऑन योर कीबोर्ड, द कोड्स आर गिवन इन डेसिमल फॉर्म। अब वो कह रहे हैं जो कोड इस टेबल में दिए गए हैं ना, वो डेसिमल में दिए गए हैं, बाइनरी में नहीं दिए गए, जबकि बाइनरी में सेव होना हमारे कंप्यूटर में, वो शॉर्ट करने के लिए टेबल, ताकि शॉर्ट हो सके, ज़्यादा हम बाइनरी का नंबर नहीं लिख सकते थे, 8-8 डिजिट का कोड, तो उन्होंने क्या लिखा, डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख दिया, हमारा एक टेबल बना दिया। तो ये डेसिमल में टेबल दिया गया, लेकिन हकीकत में क्या है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ASCII कोड करने के लिए, यानी कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी को। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपने पढ़ी है ना, उसको वैसे ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेड आफ्टर कन्वर्जन टू बाइनरी फॉर्म। पहले डेसिमल में मौजूद है हमारे पास जो टेबल है, इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कुछ भी रिप्रेजेंट करने के लिए, बाइनरी में। ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर खुद ही हो रहा होता है, लेकिन अभी हमने समझना है, इसलिए हमने टेबल बनाया, हमारे लिए टेबल बनाया। तो आपने यहाँ तक करना है, ये जो है 3-4 लाइनें ये आपने कट कर देनी है। ठीक है, टेबल हम समझ लेते, टेबल क्या है, कोड। कोड का मतलब क्या है, ये ASCII कोड, हकीकत में इन्होंने ASCII कोड का डेसिमल नंबर दे दिया है। इसको जब हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, ASCII कोड होगा, किसका है, स्पेस का। स्पेस जो बटन हमारा कीबोर्ड में मौजूद है, उसका ASCII कोड, उसका डेसिमल कोड क्या है, 32। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इसमें बाइनरी में, तो वो उसका कौन सा होगा, ASCII कोड होगा। इसके बाद जो देखें आप, ये देखें A है। ठीक है, तो A का क्या है हमारे पास डेसिमल में 65, लेकिन मैंने अगर ASCII कोड निकालना है तो मैं 65 को बाइनरी में चेंज करूँगी। इस तरह B का, तो आपने याद क्या करना है, पूरा टेबल याद नहीं करना, आपने क्या कर लेना है, ये याद रख लेना है कि A की वैल्यू क्या है, 65, B 66। इसी तरीके से A से लेकर Z तक जब आप करेंगे ना, तो एक सीक्वेंस के साथ है,
65, 66, 67, 68, 69, 70। इसी तरीके से सारा आपने याद कर लेना है। आपने ए का याद कर लेना है, जेड का याद कर लेना है। जेड का हमारे पास क्या है, 90 है, ठीक है, 90। उसके अलावा आपने जो स्मॉल लेटर है उसकी एबीसी का याद कर लेना है। स्मॉल लेटर कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 97 से, ठीक है। स्मॉल लेटर कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 97 से। इसी तरीके से ए बी सी सीक्वेंस के साथ है 97, 98, तो इसका भी हमने लास्ट याद कर लेना है जेड। जेड कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, 122 पर। तो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की जो अगेंस्ट आपके पास डेसिमल है वो आपने याद कर लेने हैं। बहुत इजी है, जस्ट आप ए बी सी लिखोगे पहला और आखिरी याद करोगे तो दरमियान में सारे एक सीक्वेंस के साथ ही है। इसकी एक एग्जांपल है वो भी देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, वो कह रहा है आपने एक पाकिस्तान का नेम कंप्यूटर में स्टोर करना है, यानी कि कीबोर्ड से आपने PAKISTAN प्रेस करना है, लेकिन कंप्यूटर में क्या स्टोर हो रहा है वो हमने बताना है। तो कंप्यूटर में ASCII कोड स्टोर हो रहा है, हमारे पास टेबल में क्या कौन सा कोड मौजूद है, डेसिमल मौजूद है। तो ASCII में कैसे आएगा, उस कोड को जो डेसिमल में दिया गया उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन मेथड यूज़ करके, जो कि अभी हम पीछे पढ़ कर आए हैं, ठीक है। टू स्टोर नेम ऑफ आवर कंट्री पाकिस्तान इन कंप्यूटर मेमरी वो नीड टू स्टोर कोड ऑफ ईच लेटर इन वन बाइट, ठीक है। वन बाइट का मतलब क्या है, हर लेटर, यानी कि P के लिए 8 डिजिट का एक कोड होगा, A के लिए 8 डिजिट का कोड होगा। तो टोटल कितने हैं, P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डिजिट का पाकिस्तान है। तो इसका मतलब 8 से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। 8 बाइट हमें ज़रूरत है, 8 बाइट का मतलब 64 डिजिट जब हम मिलाएंगे तो हमारा एक पाकिस्तान बनेगा बाइनरी में, ठीक है। इन कंप्यूटर मेमोरी वो नीड टू स्टोर कोड ऑफ ईच लेटर इन वन बाइट, वन बाइट का मतलब 8 बिट्स। एज द वर्ड पाकिस्तान कंटेन्स 8 लेटर, कितने लेटर हैं इसके, 8, सो 8 बाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज। एक लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बाइट की ज़रूरत होती है। तो 1 बाइट कितने बिट्स के अकॉर्डिंग होता है, 8 बिट्स के, यानी कि 8 डिजिट के कोडिंग होता है। इट इज़ डेमोस्ट्रेटेड इन टेबल 2.6, वो भी टेबल हम पढ़ लेते हैं, बहुत ही ईजी है वो भी टेबल। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, ह्यूमन व्यू अबाउट मेमोरी, हमारे पास हम के सोचते हैं कि जैसे हमने P प्रेस किया तो कंप्यूटर में मेमोरी में P सेव हुआ, A प्रेस किया तो A सेव हुआ, इसी तरीके से सारे ये प्रेस किए तो ये पाकिस्तान सेव हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर मेमोरी में क्या सेव होता है, ये होता है कोड इन बाइनरी सेव होता है, ये वाला कोड। हमारे पास हमने जब एग्जांपल को रिप्रेजेंट करना है तो उसके टेबल में हमने देख लेना है पी किसके इक्वल है, वो 80 के ही इक्वल होगा। हम देख लेते हैं, ये देखिए पी कैपिटल था, पी कैपिटल किसके इक्वल है, 80 के, तो हमने यहाँ पर डेसिमल कोड 80 लिख लिया। तो इसी तरह हमने सबके पहले डेसिमल में लिख लेने हैं, उसके बाद हमने उसको बाइनरी में चेंज कर लेना है। जैसे पी का 80 लिख दिया, तो स्मॉल का क्या है, 97, तो हमने यहाँ पर क्या लिख देना, 97। इस तरह स्मॉल के का हमने देख लेना है, स्मॉल के किसके इक्वल है, 107 के, तो 107। इसी तरह ISTAN, तो उसके अकॉर्डिंग हमने डेसिमल जो हमारा टेबल था उसके अकॉर्डिंग हमने ये सारी डेसिमल में लिख ली। उसको अब हमने बाइनरी में चेंज करना है, तो इसका हमने सिंपल कन्वर्जन करनी है। वो हमने क्या करनी है, जो एलसीएम लेते थे हम 2 के साथ, तो हमारा क्या आता था, हमारे पास कन्वर्ट हो जाता था डेसिमल टू बाइनरी। तो उसी तरीके से हमने सारे करते जाना है और 8 डिजिट आते जाएंगे, वो हमने लिखते जाने हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कंबाइन लिख देना है एक ही लाइन में शुरू से लेकर एंड तक, तो वो 64 डिजिट होंगे। बुक में भी नहीं लिखे हुए और मैं भी नहीं लिख सकती क्योंकि बहुत लंबी लाइन बन जाएगी। 64 डिजिट सबको मिला के लिखना है, तो फिर हमारा ये पाकिस्तान कंप्यूटर में स्टोर होता है। हमें लगता है कि ये ज़रा सा स्टोर हो रहा है, जबकि वो इतना लंबा स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।